नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों के बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। इस बार मोदी मंत्री परिषद में बिहार को मिली सर्वाधिक भागीदारी। इस भीषण गर्मी में घर से निकलने से पहले न करेंगे काम। बिहार के रुपौल विधानसभा पर इस दिन होगा उपचुनाव। जिला प्रखंड स्तर पर धूमधाम से राजद कार्यकर्ता मनाएंगे लालू यादव का जन्मदिन। भारत से मिली हार के बाद मैदान में हीरो पड़े नसीम शाह। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। इस बार मोदी मंत्री परिषद में बिहार को मिली सर्वाधिक भागीदारी। एक बार फिर से पूरे देश में लगातार तीसरी बार एनडीए गठबंधन सरकार बनाने में सफल हुआ है। बीते दिन पीएम मोदी के साथ कई मंत्रियों ने शपथ ग्रहण किया। इस बार एनडीए की सरकार में बिहार को सबसे अधिक भागीदारी का मौका मिला है। बिहार से 8 सांसदों को प्रधानमंत्री मोदी के मंत्री परिषद में जगह दी गई है, जिसमें भाजपा के 4, जदयू के 2 और लोजपा रामविलास व हम के 1-1 सांसद शामिल हैं। इसमें 4 कैबिनेट मिनिस्टर और 4 राज्य मंत्री बने हैं। आपको बता दें कि इस बार बिहार एनडीए में 5 पार्टियां थी, जिसमें मंत्री परिषद में 4 पार्टियों को जगह मिली है। एक पार्टी उपेंद्र कुशवाहा की थी और पार्टी को मिले टिकट में ये काराकाट से चुनाव लड़े थे, लेकिन हार गए। फिर बाकी के बचे सभी पार्टियों को मंत्री परिषद में जगह दी गई। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने जमुई को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी। जमुई जिले को बिहार क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस जिम्मेदारी के तहत जमुई के श्री कृष्ण सिंह स्टेडियम और झाझा के चंदवारी मैदान में आयोजन होने वाले हैं, जिसमें 250 लड़कियां बिहार में हिस्सा लेने पहुँचेंगी। ये आयोजन 11 जून से 15 जुलाई तक देखने को मिलेगा। इसके अलावा जमुई स्टेडियम में टर्फ विकेट का निर्माण जमुई क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा करवाया गया है। इस दौरान जमुई से क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने जमुई जिले को अहम भार सौंपा है। इस आयोजन की तैयारी में जिले की कमेटी जोरों शोरों से लग गई है। आगे अध्यक्ष ने बताया कि 250 लड़कियों को 8 टीम में बांटा जाएगा। सभी टीम में पहले T20 फॉर्मेट का मैच होगा, फिर एक दिवसीय मैच की तैयारी है। SKMCH को उत्तर बिहार का सबसे बड़ा इमरजेंसी केयर यूनिट बनाने की है तैयारी। 200 बेड का इमरजेंसी वार्ड बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित SKMCH में खोला जाएगा। इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया जा चुका है। इस संबंध में अधीक्षक डॉक्टर कुमारी विभा ने बताया कि रोगी कल्याण समिति की बैठक में पास करवा कर प्रस्ताव को आगे की कार्यवाही की जाएगी। इमरजेंसी में अभी 45 बेड ही हैं, जिस कारण अस्पताल में जितने मरीज आते हैं उस हिसाब से उन्हें बेड नहीं मिल पाता है। अभी हाल में ही 20 बेड का नया इमरजेंसी वार्ड तैयार किया गया है, बावजूद उसके बेड की किल्लत देखने को मिलती है। ऐसे में 200 बेड लगाने का प्रस्ताव तैयार है। इसके बाद SKMCH उत्तर बिहार का सबसे बड़ा इमरजेंसी केयर यूनिट होगा। इस भीषण गर्मी में घर से बाहर निकलने से पहले ना करेंगे काम। इन दिनों बिहार में पड़ रही गर्मी को लेकर स्वास्थ्य विभाग भी लोगों को अलर्ट जारी कर रहा है। कई लोगों को लू लगने के कारण जान जा रही है। अब इसी कड़ी में IPRD बिहार ने भी लू से बचाव के लिए उपाय सुझाए हैं, जिसके मुताबिक जब भी आप धूप में निकले तो खाली पेट ना निकले, शरीर में पानी की कमी ना होने दें, मिर्च मसाला युक्त और बासी भोजन ना करें, कूलर या एयर कंडीशनर की हवा लेने से बचें। कूलर या एयर कंडीशनर की हवा लेने के बाद एकदम से धूप में ना निकले, साथ ही ज़्यादा धूप में जाने से बचें। घर से बाहर धूप में निकलने से पहले पानी पिए, साथ ही पेय पदार्थ जैसे नींबू पानी, छाछ और आम पन्ना आदि का सेवन करते रहें। बिहार के रुपौल विधानसभा पर इस दिन होगा उपचुनाव। बिहार के रुपौल विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने वाला है। पहले इस सीट पर बीमा भारती जदयू की टिकट पर यहां से विधायक थी, लेकिन फिर उन्होंने यहां से इस्तीफा दे दिया। 14 जून को इसके लिए अधिसूचना जारी की जाएगी। अब सीट पर उपचुनाव के लिए 21 जून तक नामांकन किया जा सकेगा। फिर नामांकन पत्रों की जांच 24 जून तक होगी। नामांकन वापसी की तारीख 26 जून रखी गई है। वहीं मतदान 10 जुलाई को और वोट काउंटिंग 13 जुलाई को होंगे। शेखपुरा के कई स्कूलों में गर्मी के कारण बच्चों के बेहोश होने की खबर आई सामने। शेखपुरा के बरबिघा प्रखंड के 3 स्कूलों में गर्मी के कारण बच्चों के बेहोश होने की खबर सामने आई है। इस संबंध में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी रविंद्र कुमार राय ने बताया है कि बरबिघा प्रखंड के मध्य विद्यालय उखदी, कन्या प्राथमिक विद्यालय सरवा और जगदम्बा उच्च विद्यालय सामस में बच्चे बेहोश हुए हैं। उनको स्थानीय स्तर पर इलाज कराने के बाद घर भेज दिया गया है। सभी बच्चे खतरे से बाहर हैं। इस 3 नए क्रिमिनल्स लॉ का RS भट्टी देंगे 3 दिवसीय प्रशिक्षण। देश में आपराधिक कानूनों की जगह लेने वाले 3 संशोधन विधेयकों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी है। अब राष्ट्रपति से इस अनुमति के मिलने के बाद भारतीय दंड संहिता 1860
आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1898 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1972 का स्थान मिल चुका है, जिस वजह से अब ये विधेयक कानून बन चुके हैं। अब इसे धरातल पर उतारने की तैयारी है। इसी कड़ी में पटना के गांधी मैदान स्थित ज्ञान भवन में बिहार DGP RS भट्टी ने 3 दिवसीय नए आपराधिक कानूनों का प्रशिक्षण पुलिस अधिकारियों को देने की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम का आयोजन दीप प्रज्वलित करने के साथ ही हुआ है। अब प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद बिहार पुलिस नई धाराओं के साथ मामले दर्ज कर कार्रवाई करेगी। क्या पवन सिंह बनाएंगे राजनीतिक पार्टी? पवन सिंह इस बार काराकाट से चुनाव हार गए, बावजूद इसके राजनीति को लेकर उनका जज्बा कम नहीं हुआ है। एक निर्दलीय प्रत्याशी होते हुए उन्होंने अच्छा प्रदर्शन भी किया और मुख्य लड़ाई में भी बने रहे। अब समर्थकों के उत्साह को देखते हुए खबर आई है कि पवन सिंह अब अपने राजनीतिक दल का गठन कर सकते हैं। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक राजनीतिक दल के गठन से पहले वे पूरे बिहार की जनता का आशीर्वाद लेने के लिए बिहार में आशीर्वाद यात्रा पर भी निकलेंगे। जिला प्रखंड स्तर पर धूमधाम से राजद कार्यकर्ता मनाएंगे लालू यादव का जन्मदिन। राजद को इस बार लोकसभा चुनाव में 9 सीटें आई हैं। इस जीत की खुशी राजद अपने पार्टी कार्यालय में बड़े ही धूमधाम से मना रहा है। अब इसी खुशी के बीच लालू यादव का 11 जून को जन्मदिन भी मनाया जाएगा। इस बार राजद कार्यकर्ता लालू यादव के जन्मदिन बिहार के सभी जिलों में मनाने की तैयारी कर रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक 11 जून को राजद के कार्यकर्ता जिला प्रखंड स्तर पर लालू यादव का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाने वाले हैं। आपको बता दें कि अपने हाजिर जवाबी के कारण लालू यादव की प्रसिद्धि न केवल देश बल्कि विदेशों में भी है। इनका जन्म गोपालगंज के फुलबरिया गांव में हुआ था। इनकी बोली में आज भी इनके जमीनी जुराब दिखाई देते हैं। इस दिन जन सुराज अभियान राजनीतिक पार्टी में होगी तब्दील। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत कसो ने नई राजनीतिक दल बनाने का ऐलान कर दिया है। जन सुराज अभियान को ही अब पार्टी में तब्दील किया जाएगा। ये पार्टी विधानसभा चुनाव से पहले बनेगी। मिली जानकारी के मुताबिक 2 अक्टूबर को जन सुराज अभियान को राजनीतिक दल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। प्रशांत किशोर पूरे बिहार में बीते 1.5 साल से पदयात्रा के जरिए लोगों से संपर्क कर रहे हैं। प्रशांत किशोर के मुताबिक जब जन सुराज राजनीति में आती है तो NDA और इंडिया गठबंधन दोनों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। शपथ ग्रहण समारोह से लौटने के बाद महिलाओं ने CM नीतीश का किया भव्य स्वागत। NDA की सरकार बनने के बाद शपथ ग्रहण समारोह समाप्त होते ही आज CM नीतीश पटना पहुंचे। यहां आते ही पटना एयरपोर्ट पर महिलाओं ने CM नीतीश का भव्य स्वागत किया। इस दौरान एयरपोर्ट पर मौजूद महिलाओं ने जमकर नारे भी लगाए। इस दौरान जदयू से एक महिला कार्यकर्ता ने बताया कि CM नीतीश NDA के साथ खड़े हैं, वे PM मोदी के साथ हैं और केंद्र में PM मोदी की सरकार बनी है। आगे महिला कार्यकर्ता ने कहा कि टाइगर अभी जिंदा है, CM नीतीश हमारे नेता हैं, टाइगर हैं। मालूम हो कि अभी हाल में ही पटना की सड़कों पर टाइगर अभी जिंदा है के पोस्टर भी देखने को मिले थे। राजद ने कहा इस बार मोदी सरकार नहीं राजग की सरकार ने ली है शपथ। NDA सरकार के शपथ ग्रहण के बाद राजद का बयान सामने आया है। राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा ने कहा है कि इस बार मोदी सरकार नहीं बल्कि राजग यानी कि NDA सरकार ने शपथ ली है। उम्मीद है कि ये सरकार नौकरी और रोजगार जैसे मुद्दों पर काम करेगी। आगे उन्होंने कहा कि राजग सरकार बनने से समाज में कम ध्रुवीकरण होगा, कमजोर वर्गों के जीवन में सुधार होगा और सरकार साठ गांठ वाले पूंजीवाद से मुक्त करेगी। उन्होंने बताया कि आज के समय में युवाओं की सबसे बड़ी जरूरत नौकरी और रोजगार की है। उम्मीद करता हूं कि सरकार इस मुद्दे पर काम करेगी। चिराग पासवान ने मंत्री पद मिलने का PM मोदी को दिया श्रेय। बीते दिन चिराग पासवान ने मंत्री पद के लिए शपथ ग्रहण किया। मंत्री पद के लिए शपथ ग्रहण के बाद वे काफी खुश दिखे। मीडिया से बातचीत करते हुए इसका पूरा श्रेय उन्होंने PM मोदी को दिया। उन्होंने कहा कि ये बड़े पद से ज्यादा बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मेरे प्रधानमंत्री जी का मुझ पर ये विश्वास करके इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर देना, मेरा पूरा ध्यान इस पर रहेगा कि पूरी ईमानदारी से और पूरी मेहनत के साथ जो जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की ओर से दी गई है उसको मैं पूरा करूं। भारत से मिली हार के बाद मैदान में ही रो पड़े नसीम शाह। T20 वर्ल्ड कप के मुकाबले में एक बार फिर से पाकिस्तान को भारत से हार का सामना करना पड़ा है। बीते दिन के इस मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 6 रनों से हराया है। इस मैच के बाद पाकिस्तान टीम में से तेज गेंदबाज नसीम शाह मैदान में ही रो पड़े। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने टॉस जीते थे और इस टीम ने मुकाबले में पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। इसमें भारत ने निर्धारित 20 ओवरों में 119 रन बनाकर सिमट गई, वहीं पाकिस्तान 20 ओवरों में 113 रन ही बना पाई। इस मैच में बुमराह और हार्दिक पांड्या ने बाजी पलटते दिखाई दिए। जानिए आज बिहार में पेट्रोल और डीजल की कीमत। बिहार में आज पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए जा चुके हैं।
जारी हुई कीमत के मुताबिक पेट्रोल का दाम 21 पैसे कम हुआ है, वहीं डीजल में 20 पैसों तक की कमी आई है। अररिया में पेट्रोल 107.09, वहीं डीजल 93.81 रुपए मिले। अरवल में 105.82 रुपए, तो वहीं डीजल 92.46 रुपए है। औरंगाबाद में पेट्रोल 106.97 रुपए और डीजल 93.41 रुपए है। बांका में पेट्रोल 106.66 रुपए और डीजल 93.41 रुपए है। बेगूसराय में पेट्रोल 104.99 रुपए और डीजल 91.84 रुपए है। भागलपुर में पेट्रोल 105.90 रुपए और डीजल 92.69 रुपए है। भोजपुर में 105.3 रुपए पेट्रोल, तो वहीं डीजल 92.66 रुपए है। बक्सर में पेट्रोल की कीमत 106.49 रुपए है, तो वहीं डीजल की कीमत 93.27 रुपए है। दरभंगा में पेट्रोल की कीमत 105.99 रुपए है, तो वहीं डीजल 92.78 रुपए है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देने के नाम है सुरभि सुमन, राजकिशोर महतो, रंजीत मिश्रा, उमेश ऋषिदेव, राकेश मिश्रा, गुनर शर्मा, मोहम्मद साकिर हुसैन, बाबूलाल मरांडी, संजीव कुमार, किशोर यादव, आशुतोष कुमार, राजीव रंजन कुमार, बाबूलाल मरांडी। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, गर्मी से बचाव के लिए आप क्या उपाय कर रहे हैं? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।